नमस्कार, मैं रेनू चौहान और आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। मंगलवार को बीजेपी महिला मोर्चा ने दिल्ली के पूर्व प्रहलादपुर में जिला अध्यक्ष शोभा शुक्ला की अध्यक्षता व जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में कमल ज्योति अभियान चलाए। इस अभियान की शुरुआत प्रदेश महामंत्री संतोष गोयल ने दीप जलाकर की। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में घुसकर आतंकी के ठिकानों में हमला करने व 40 से ज्यादा हमारे शहीदों की शहादत का बदला लगभग 400 आतंकी मार गिराने के उपलक्ष्य में बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा हर जगह शाम को 6 बजे से 9 बजे तक यह अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान सभी जिलों की महिला मोर्चा ने दीप जलाकर कमल का फूल बनाया व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना का धन्यवाद किया। इस मौके पर वहां प्रदेश महामंत्री सचिन विधुरी, चेयरमैन मध्य क्षेत्र के शुक्ला समेत पूरे दक्षिण जिले की महिला मोर्चा की तमाम महिलाएं मौजूद रही। देखिए, आज जो ये हमारा कार्यक्रम किया गया है वो कार्यक्रम हमारा, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे देश में 14 फरवरी को पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा कायराना हमला किया था, तो उसी कायराना हमले का आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुँह तोड़ जवाब दिया है। तो पूरी देश की बहनें आज इस कार्यक्रम को सुबह शाम को 6 बजे से 9 बजे तक एक दिवाली के रूप में मना रही हैं। तो ये कमल ज्योति अभियान है हमारा, और हमने ये हमारे में खुशी की लहर है कि जिस तरीके से जो कायराना हमला हमारे ऊपर पाकिस्तान ने किया था उसका मुँह तोड़ जो जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया, इसी खुशी में हमारे पूरे देश की महिलाओं ने ये कमल ज्योति अभियान शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक दिवाली के रूप में मनाया जा रहा है। जिस घर का बच्चा गया हो उस घर के लिए अफसोस किया उन्होंने, और उस अफसोस की निंदा करते हुए अपने आप को कितना कंट्रोल किया, और कंट्रोल करके उन्होंने निश्चित रूप से एक दिन और तारीख चुन ली थी जिसके लिए आज हम दिवाली मना रहे हैं। दिवाली का त्यौहार हम मना रहे हैं। हिंदुस्तान के आज एक अगर प्रधानमंत्री हैं तो वो भाई नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जिनकी छत्र छाया में रह के और आज देश हमारा सिर ऊंचा करके बात कर रहा है। आज उसी का इंतजार था जिस बात के लिए उन्होंने कहा था कि बहुत गलत किया पाकिस्तान ने, उसका बदला उसे मिलेगा, और उसका बदला उसे मिला। आज हम उसी के रूप में दीपावली के एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर पूरे देश की बहनें, पूरे देश के भाई, हर घर में दिवाली हो रही है, हर घर में दिया जलेगा आज पूरे देश में, हमारा ये एक मैसेज जा रहा है। और महिला मोर्चा साउथ दिल्ली की ओर से मैं अपनी सभी बहनों को बधाई दे रही हूँ कि सभी बहनों ने सहयोग दिया, और दिल्ली प्रदेश से आई हुई मेरी बहन जो हमेशा मेरे साथ रहती हैं, ऐसी बहन ने आज आके हमें उत्साह भरा और इस तरीके का भव्य प्रोग्राम करवाया, और हमारा ये प्रोग्राम सफल रहा। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत बहुत अपने दिल की गहराइयों से उन्हें धन्यवाद देती हूँ। बिल्कुल जवाब देना चाहिए, और देश की जनता उनसे सवाल पूछ रही थी कि भाई अब तक चुप क्यों बैठे हैं, हमारे 40 जवान शहीद हो गए, उसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने जो देश में हमारे विपक्षी दल हैं उनका भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। कहते ना कि शेर जब तक शांत रहता है और जब दहाड़ता है तो किसी को भी नहीं छोड़ता है। सरहद के पार का कोई भी व्यक्ति हो या देश में छुपा कोई भी गद्दार हो उसको नहीं छोड़ेंगे, ये मैसेज नरेंद्र मोदी जी ने बहुत जल्द दिया है। और कहते हैं कि 12 दिन तक वो चुपचाप बैठे और 13वें दिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने शहीदों को याद करते हुए पाकिस्तानी के जो गद्दार हैं उनकी 13वीं आज कर दी है। तो नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, और महिला मोर्चा की टीम को बहुत बधाई जो कि आज किया गया है, और ऐसे ही आगे भी हम करते रहेंगे। ये दृढ़ संकल्प है, हमारी महिला मोर्चा सबके साथ है और प्रधानमंत्री जी के साथ डटकर खड़ी हुई है। आज का प्रोग्राम हमारी जिला अध्यक्ष शोभा शुक्ला जी की अध्यक्षता में हुआ है, और हमने अपने मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश की महामंत्री दीदी संतोष गोयल जी को यहाँ पे बुलाया था, और इन दोनों दीदियों की वजह से आज इतना भव्य प्रोग्राम हमने किया है, जो कमल ज्योति अभियान कि कमल के फूल को बनाकर और दिए से सजाया, और उसकी खुशी पूरे महिला मोर्चा के तरफ से है, जिसका मैं तहे दिल से धन्यवाद अपनी जिला अध्यक्ष और महामंत्री को, पूरी महिला मोर्चे की टीम को देना चाहती हूँ। धन्यवाद। जो 14 तारीख को पाकिस्तान ने कायराना हरकत की थी, आज दिए जला के हमने उसकी खुशी जाहिर की है, और 13वीं तक का उनका इंतज़ार नहीं किया, उससे पहले हमने इस चीज़ का उनको जवाब दे दिया कि भारत कभी कम नहीं था और ना कभी होगा। भारत पहले भी सोने की चिड़िया थी, आज भी भारत सोने की चिड़िया है। घर घर
मोदी। और भी खबरें जानने के लिए बने रहे उनका 24/7 के साथ। धन्यवाद।